मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन दासी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मेरठ से जिला अध्यक्ष। मेरठ आपको सीट से आप चुनाव की तैयारी की है, इसके लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी पिछले एक साल से लगातार चल रही है। हम कहीं पर भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहाँ पर पहुंचे हैं और सारी प्रॉब्लम्स का करने की कोशिश की है। दूसरी बात, अभी जो हमारी टीम है वो अलग अलग क्षेत्रों में उतरी हुई है, मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमने जो अभी तक पीछे काम करा है उसको भी लोग बता रहे हैं। लगातार हमारी मेंबरशिप चल रही है और हमारे कैंपेन चल रहे हैं, डोर टू डोर मेहनत चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट हमें 26 तारीख को देखने को मिलेगा। क्या है मेरठ डिस्ट्रिक्ट कमेटी और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट कमेटी, पहले ये दोनों कमेटी एक जगह बैठी और इन कमेटियों ने आपस में सभी लोगों ने बातचीत करके मशवरा करके एक दूसरे से कैंडिडेट का नाम दिया स्टेट को। उसके बाद में स्टेट ने इस नाम को पहुंचाया नेशनल को, नेशनल में चर्चा होकर फिर वापस स्टेट में आया और स्टेट में आने के बाद स्टेट ने फिर इसको जिले को बताया। मैं जो हमारी मेरठ और हापुड़ की एक लोकसभा कमेटी का गठन हुआ है उसमें सभी लोग एक जगह बैठ करके कुछ नामों पर चर्चा की हैं, जिसमें कई सारे नाम हमारे सामने आए थे। मैं मौलाना कमर साहब का भी हमारे बीच में नाम आया था और रिफाकत चौधरी साहब का भी नाम आया था, मौलाना आबिद साहब का भी नाम आया था और भी कई सारे नाम आए थे। उस पर हमारी जो कमेटी थी दोनों जिलों की उनमें खुलकर चर्चा हुई और खुलकर चर्चा होने के बाद में उन नामों को हमने स्टेट को दे दिया गया। हमारी पार्टी का एक दस्तूर है, नियम है कि यहाँ से नाम ऊपर जाएंगे स्टेट में जाएंगे, स्टेट वाले उसको नेशनल में भेजेंगे। बिल्कुल वैसे ही हुआ, स्टेट को गए, स्टेट वालों ने नेशनल को भेजे, नेशनल में जो भी नाम चर्चा हुई उसमें चर्चा में मौलाना आबिद मजाहरी साहब का नाम हमारे बीच इंशाल्लाह आया और उसी के बाद में ये फील्ड में है, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरी मजबूती से सभी लोगों ने जिनका नाम आया था वो भी लोग मजबूती से फील्ड में काम कर रहे हैं।